दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस और उनके फैंस के लिए। आईपीएल 2023 के फाइनल में एंट्री हो चुकी है मुंबई इंडियंस की। तो क्या है खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों आईपीएल 2023 का 46वां मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब सुपर किंग के बीच में खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने। दोस्तों आपको बता दूं, पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब सुपर किंग ने स्कोर बोर्ड पे 214 रन लगा दिए, जिसमें सबसे ज्यादा लिविंगस्टोन 42 गेंदों में 82 रन की धुआंधार पारी खेली। वहीं जितेश शर्मा 27 बॉल में 49 रन की पारी खेली और शेखर धवन 20 बॉल में 30 रन की पारी खेली। 215 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद ही खराब रही। ओपनर बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने धुआंधार पारी खेली। ईशान किशन 41 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने भी 31 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 66 रन की पारी खेली। बाकी का काम तिलक वर्मा और टीम डेविड ने पूरा कर दिया और पंजाब किंग को 6 विकेट से हराकर पॉइंट टेबल के प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली और अब यहाँ से मुंबई इंडियंस फाइनल में भी पहुँच सकती है।